और इस वाले पीपल वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई बहुत लंबे टाइम के बाद एक नई वीडियो, प्रॉपर लंबी चौड़ी वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं फैक्ट चेक का। फैक्ट चेक टेक्निकली एल्विश भाई ने एक फैक्ट चेक वीडियो बनाया ध्रुव राठी के बारे में, और हम उस फैक्ट चेक वीडियो को दोबारा फैक्ट चेक करने वाले हैं। तो आपके साथ बैठ के अभी मैं उसके जो सब सेक्शंस हैं, हर सेक्शन को एक एक वीडियो में डिवाइड करूंगा, एंड हर एक नई वीडियो में उसके हर एक सब सेक्शन के हम दोबारा फैक्ट चेक करेंगे। ठीक है जी, तो बिना किसी और टाइम वेस्ट के सबसे पहला जो सब सेक्शन है उसका, विच इज न्यूट्रल राठी, उसके बारे में उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, एंड साइड बाय साइड फैक्ट चेक भी करते हैं। तो चलो, तो आकाश बैनर्जी के साथ एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए, और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। एक्सक्यूज मी मेरे भाई, देखो भाई, अगर कोई बंदा किसी पार्टी के लिए वीडियो बनाता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि कल मैं कांग्रेस के लिए कोई वीडियो बना दूं या मैं कल बीजेपी के लिए कोई वीडियो बना देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूं। किसी ना किसी पॉइंट पे मैं शायद कांग्रेस को भी गलत बोल दूं, बीजेपी को भी गलत बोल दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अगर उनके लिए वीडियो बनाई या नहीं बनाई, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं उनका मेंबर हूं। ठीक है जी, तो आगे की वीडियो सुनते हैं। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया, 5 साल केजरीवाल। ये लगातार दो गाना बनाया, उसने गाना शेयर करा, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई। 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं, ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था, और वो सेम चीज आम आदमी। भाई साहब प्लीज, मेरे को कोई प्रूफ तो दो ना भाई कि ये उसने करा है। तुम बता रहे हो कि उसने ये करा है, पर प्रूफ किधर है? तुम फैक्ट चेक वीडियो बना रहे हो, तुम उसके कॉन्ट्रेडिक्टरी फैक्ट्स तो दिखाओ, कम से कम कुछ तो दिखाओ भाई। ये फेसबुक पोस्ट दिखा रहे हो जिसके अंदर ध्रुव राठी का जो अकाउंट है वो वेरीफाइड तक नहीं है। और भाई ये 2015 की बातें हो रही हैं, जब ऑलरेडी ध्रुव राठी वाज क्वाइट फेमस ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद की बातें चल रही हैं। तो इतना तो भाई सबको पता है कि उसके नाम क्या है, वेरिफिकेशन टिक होगा जिससे सिद्ध होगा कि उसका अकाउंट है। तब ध्रुव राठी के नाम से मैं अकाउंट बना के कुछ भी पोस्ट करता रहा हूं, तो इससे ये थोड़ी प्रूव हो जाएगा कि बीजेपी के, मान लो कल मैंने एक अकाउंट बनाया ध्रुव राठी के नाम का, मैंने बीजेपी के फेवर में कुछ ना कुछ उसमें पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि अब बीजेपी का मेंबर बन गया ध्रुव राठी। क्या भाई, कुछ तो सोचो रे बाबा। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था, जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे। ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था, और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। भाई, वीडियो प्राइवेट किया होगा उस, वो अलग सीन है। ठीक है, तो मेरे को ये बात बताओ कि अगर पैसे खर्च करे किसी चीज की प्रमोशन में तो उसमें क्या दिक्कत है? और वो तो फिर भी कुछ सुधार ही करने के लिए थे ना भाई। उसके कॉन्ट्रडिक्टरी भाई बहुत सारे और खर्चे हुए हैं सारी गवर्नमेंट्स में, जो बिल्कुल फालतू, बिल्कुल ही किसी चीज तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी उनमें करने के लिए, या कुछ करना नहीं चाहिए था, उन पर फालतू खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में 6,500 करोड़ रुपए खर्च करा है मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर ऐड देने में, 6,500 करोड़ रुपए। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है वो भी बताएं प्लीज। अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इससे सक्सेसफुल हो गए तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं, वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियन की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा, जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है, और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया, इनके रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात,
भाई किधर 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 था भाई, मेरे को दिखा नहीं, वो आपके पीछे से निकल गया ना थोड़ा सा, वो प्रूफ जो आप दिखाना चाह रहे थे वो नजर नहीं आ पाया थोड़ा सा, मैं पढ़ नहीं पाया उसको। चलो आप पीछे से निकाले जा रहे हो यार अपने प्रूफ को, प्रूफ को सामने तो आने दो, आप तो सामने भी नहीं आने दे रहे, प्रूफ जो आप लेके आए उसको तो सामने आने दो कम से कम। आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप ना उनकी वीडियो के एंड में जाके एक चीज देखा करो, रिसर्च बाय विजेता दहिया, उनके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। पर एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक एंकर है जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता, इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे सारी चीजें भाई, बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे गए भाई। वो कम से कम एंकरिंग तो अच्छी कर पा रहा है, तुमसे तो वो भी ना हो पा रहा, बाहर निकालेंगे। और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें, जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, अब क्यों नहीं बक रहा भाई, बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। इसने रफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो, आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी खुद एक प्रोपोगंडा वाली वीडियो शेयर करी थी ट्विटर के ऊपर जिसके। तो भाई अगर अगर आम आदमी पार्टी का लीडर किसी बात से सहमत है और वो किसी की वीडियो शेयर करता है, तो इससे ये कहीं प्रूव नहीं हो पाता कि वो बंदा आम आदमी पार्टी का मेंबर है भाई। कुछ कुछ तो सोच अलविश भाई, क्या कर रहे हो भाई, लोग बोल रहे तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं सकता यार, क्या कर रहे हो, कुछ तो सोच भाई, कुछ थोड़ा बहुत। बाद उनको भाई कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी भाई गलती से फेक वीडियो शेयर हो गई। भाई बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोस इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो जो मैं चीज बोल रहा हूँ भाई, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी। एक सेकंड, अब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, लिंक भाई एमपीएल ओपिनियो का मिला हुआ है, इंजीनियर रिव्यूज को चैनल होगा उसका मिला हुआ है, विजय भाई को चैनल होगा उसका मिला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का मिला हुआ है, क्राफ्ट बाय एस्ट्रोजी उसका मिला हुआ है, एस्ट्रोजी का मिला हुआ है, सिस्टम क्लोदिंग का मिला हुआ है, उसके बाद क्रेडिट है किसी बंदे को, अपना म्यूजिक लेबल शेयर करा हुआ, अपना गेमिंग चैनल का अकाउंट डाल रखा है इसके अंदर, डोनेट टू एलविश यादव फाउंडेशन लिखा हुआ है, बट भाई प्रूफ के लिंक किधर है बाबा, किधर भाई, बोलने से पहले थोड़ा तो सोच ले, अगर तुम्हारे पास नहीं है वो प्रूफ, तुम्हारे पास लिंक्स नहीं है तो क्यों बोलते हो यार, आगे देखते हैं। चीजें मिल जाएंगी, पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी, तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिस इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे जीरो क्रिमिनल केसेस हैं, और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना एक सेकंड भाई, पोस्ट चेक करनी है, उसकी डेट देखनी है मेरे को कि कब की है वो पोस्ट। इट्स 11th ऑफ सितंबर 2016, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या पता तब तक 2016 तक आम आदमी पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज ना हुआ हो, ठीक है जी। और जो हमारे एलविश भाई हैं वो क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। तो आज डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी के, ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि जीरो, एक भी। भैया एक बात बताओ ना कि उस डेट 11 सितंबर 2016 से पहले थे या बाद में थे, क्योंकि वो पोस्ट जब की है उसके साथ कंपेयर करो ना, जो फैक्ट तुम लेके आ रहे हो उसको तो 100% फैक्ट चेक करके लेके आओ कम से कम। केस नहीं है जीरो, देखो इनके ऊपर जो जो केसेस है वो दिल्ली 2020 लिख रखा है पोस्ट के ऊपर, जो इनके पीछे से भी निकला है ना उसके ऊपर दिल्ली 2020 लिखा, मतलब 2020 में उनके ऊपर इतने केस दर्ज थे, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 2018 या 2016 जितनी भी डेट थी उस टाइम पे उससे पहले भी ये दर्ज हुए हो, ठीक है जी। तो थोड़ा सोच समझ के अलविश जी,
डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सब डेटा इधर दिख जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर सर फिर से आप डेट चेक करो ना, उससे पहले शायद इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं थे, तो अपने फैक्ट्स को प्लीज क्लैरिफाई किया करो कम से कम, कि आप करंट डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो कि आप जिस टाइम की आपने पोस्ट दिखाई है आप उस टाइम के डेटा की बात करो ना, उसके बाद के डेटा की बात क्यों कर रहे हो, प्लीज थोड़ा सोच समझ के भाई, थोड़ा देख रहे हो इधर मीटर रेड पे जा रहा है, देख रहे हो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में पता लगेगा। देखो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या ध्रुव भाई हमारे न्यूट्रल है, जैसा उन्होंने बोला कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, ना मैं कभी जुड़ा था ना कभी जुड़ूंगा, ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल है, कितने कौन सी पार्टी के सगे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहे। तो जी देखो ये था इनका पहला पॉइंट, इज ध्रुव राठी न्यूट्रल और नॉट, तो भाई इसके ऊपर अब बात करते हैं थोड़ी सी। तो भाई देखो जो भी इन्होंने ए टू सी फैक्ट्स बताए उनको हमने फैक्ट रीचेक कर दिया। पहली बात तो भाई इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ध्रुव राठी ने किसी भी फेसबुक पोस्ट जो है उनकी, जो ये दिखा रहे हैं बार बार पीछे, वो असली ध्रुव राठी के अकाउंट से डली है या किसी नकली ध्रुव राठी के अकाउंट से। और सबको पता है कि भाई फेसबुक पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है किसी और के नाम से। ठीक है जी, उसके बाद अब बात आ जाती है कि भाई जो इन्होंने भी क्रिमिनल्स का डेटा दिया, वो डेटा ये दे रहे हैं 2020 का, वो पोस्ट जो ये दिखा रहे हैं जो ध्रुव राठी ने अपने अकाउंट पे, जो असली अकाउंट भी होगा उस पर भी डाली है, अगर वो असली अकाउंट है तो भी वो 2018 या 2016 की पोस्ट है, तो तब के डेटा को कंपेयर किया जाए भाई प्लीज। थोड़ा आप अपनी अगली वीडियो का थोड़ा ध्यान रखो अरविंद भाई, ठीक है। तो उसके अलावा भाई इन्होंने क्या बात करी और सारी इस वीडियो में क्या किया है, कुछ नहीं करा भाई, कुछ भी नहीं है। ए टू जी क्या फैक्ट है, किधर है फैक्ट, दिखाओ ना कुछ तो दे भाई फैक्ट के नाम पे, कि एलविश भाई इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें। ठीक है जी, तो हमारी आज की वीडियो यही थी, हमने उनका पहला पॉइंट सारा सुना, 10 मिनट की वीडियो उनकी देखी, बेसिकली पहले 5 मिनट 2 सेकंड तक तो इन्होंने बात भी नहीं करी इस वीडियो के अंदर, पहले 5 मिनट 2 सेकंड तक तो इन्होंने बस प्रमोशन ही कर रखी है, उसके बाद इन्होंने बातचीत शुरू भी करी है। तो हमने 5 मिनट की वीडियो देखी और उसमें हमें ये समझ आया कि अब तक इन्होंने पहले 5 मिनट में जो भी बोला है वो सब गलत है। तो चलो जी, सो दैट वाज इट। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, सब जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हो इसका तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो और कमेंट में बताओ कि भाई मेरी बातें आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।